नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएन 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध हलके के गांव चोचड़ा में, जहां पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के ओनर श्री प्रमील सर का यहां पर स्वागत किया जाना है। स्वागत से पहले की तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं कि आईसीएस कोचिंग सेंटर असंध के ओनर लक्ष्मण शर्मा जी के साथ स्वागत करते हुए अब कदम दाल आगे बढ़ता हुआ। फिर देखिए, जैसे ही हम पहुंच रहे हैं, पहुंचने से पहले जोश जुनून आप देख सकते हैं असंध के गांव चोचड़ा के अंदर आईसीएस कोचिंग सेंटर के ओनर परमील सर पहुंचे हैं और उनके स्वागत की तैयारी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, जो ग्रामीण है वो भी आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें खूब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बीएन 24 पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े शेयर जरूर कर दे। लो जी, कि लक्ष्मण सर उगता हुआ सैलाब हो आप, जिसका कोई अंत नहीं वो तालाब हो आप, जो हर प्रांगण में बिखेर दे अपनी खुशी, जो हर प्रांगण में बिखेर दे अपनी खुशी वो गुलाब हो आप। और ये मेरी कविता आईसीएस कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के समक्ष वैसा नाम बताने की जरूरत को नहीं, पूरे देश में नाम कमा वैसा। फिर भी थारी जानकारी का उत्तर बता दूं, मास्टर परिमल सर कमा वैसा। एक मैडम पढ़ारी से आईसीएस सेंटर पे एक मैडम पढ़ारी से वह साधारण लुगाई को न्या वह साधारण लुगाई को न्या उसकी वाणी में मां सरस्वती समारी से। स्माइल इतनी प्यारी कि स्माइल इतनी प्यारी कि स्माइल ने देखा मां लक्ष्मी भी शर्मारी से। सुनील मास्टर भी सेंटर पे पूरा दुम अठारे से बढ़ा के साइंस बड़का ने आगे बढ़ा रहे से। एक यो कारण से कि जो आईसीएस सेंटर पूरे देश में छा रहा से। दरिया कर दे अंग्रेजी ते मैं भी सारे अंग्रेज हो रहे से। दरिया कर दे अंग्रेजी ते वे भी सारे अंग्रेज हो रहे से, नरेंद्र मास्टर की कृपा से सारे पास हो रहे से। बैठे बैठे काम कोनी बने, टैमो तो देखनी पड़ेगी। और जे लगना है नौकरी सरकारी तो आईसीएस तो की क्लास देखनी पड़ेगी। नोट छापने का लालच कोनिया, 7,000 में पूरी साल पढ़ा वैसे। नोट छापने का लालच कोनिया, 7,000 में पूरी साल पढ़ा वैसे। और जो एक बार आईसीएस में पढ़ जावे उन ते पूछ लियो सारे टॉप बताओ वैसे। और अब पढ़ने ते ज्यादा मोटिवेट करिया जासे इसे मास्टर किते पावे ना। अरे अड़े पढ़ने ते ज्यादा मोटिवेट करिया जासे इसे मास्टर कड़े पावे ना, वो आईसीएस कमाल सर है, वो आईसीएस वाले मास्टर बेमिसाल सर है।
सर आज एसटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है, और जैसा कि आपने देखा कि बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर में, सभी में काफ़ी उत्साह था। कारण कोरोना, लंबे समय से बच्चे जो है इससे अवॉइड थे, और बच्चों को इस कोरोना काल के दौरान जो एजुकेशन हमारी ऑफलाइन होती थी, एक टीचर की जो इम्पोर्टेंस होती थी, स्कूलिंग क्या होती थी, उस सभी के बारे में बच्चों ने फील किया है। क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से बच्चे जो है टीचर से टच में नहीं थे, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ। और मीडिया का सहारा लेते हुए बच्चों ने एजुकेशन से जुड़े रहने की कोशिश तो की, लेकिन इसके दुष्परिणाम मेरे हिसाब से ज़्यादा लगे, क्योंकि बच्चे जो है उसका काफ़ी मिसयूज़ करते थे। और आज सभी पेरेंट्स और बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि ऑफलाइन शिक्षा होनी चाहिए, जैसा हमारे पहले यहाँ चलता था। एक टीचर केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो उसको मोरलिटी बताता है, सोशल वर्कर के रूप में भी बताता है, हर चीज़ से जो है उसका चहुंमुखी विकास करता है, जबकि मीडिया से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बच्चों में भी काफ़ी इस चीज़ को रियलाइज़ किया, महसूस किया है, और हमें भी जो ये नुकसान हुआ है इस 2 साल के दौरान, तो जिस रेशियोस में हम पहले कोशिश करते थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसकी भरपाई करने के लिए शायद हमें डबल एनर्जी के साथ करना होगा, और उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमें लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक जागृति की है, उनको जोड़ने की कोशिश की है कि वो पहले वाली रेशियो में आएँ और उसी तरह से स्कूल को जुड़ें, एजुकेशन के महत्व को समझें। तो यही एक इसका मोटो था, और शायद मुझे लगा कि आज बच्चों ने, पेरेंट्स ने काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस दी है, और इसे शिक्षा भी मिली है, और इसके रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही होने की संभावना है। सर आज मुख्य अतिथि के रूप में ICS के डायरेक्टर परिमल सर को आपने बुलाया था, तो क्या कुछ विशेष रहने वाला था, क्या कुछ बच्चों को नया उसने बताना था? शिक्षा के स्तर को सर ऐसा है कि यदि हमें प्रमोट करना चाहते हैं तो ये कभी भी अकेले से संभव नहीं होता। शिक्षाविद जितने भी हैं, किसी भी रूप में जुड़े हैं, तो जब तक ज्वाइंट नहीं होंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मकसद दोनों का एक है, उनका भी मकसद एजुकेशन को प्रमोट करना है और हमारा भी है, तो इस कड़ी में हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, जागृत किया है लोगों को। क्योंकि जो ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में केवल नुकसान नहीं है, इसके अंदर पॉजिटिविटी भी है। जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे टीचर से जो है वो पढ़ पाते हैं, अपने जो कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज है किसी चीज़ में, वो क्लियर कर पाते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इसकी टोटली नेगेटिविटी है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस वे में लेता है। अच्छे बच्चे जो हैं इसका एक लाभ भी उठा रहे हैं, और काफ़ी रिजल्ट जो है इसके पॉजिटिव भी आए हैं। तो उसी में हमने परिमल सर से जो है संपर्क किया, और उनके साथ जुड़ कर के ये एक अच्छा जो कार्य है, नेक जो कार्य है, जो काफ़ी पिछड़ गया है, उसे पुनः जीवित करने के लिए, उसको पुनः उसी रूप में लाने के लिए हमने उनके साथ ऐसा संपर्क किया, और उन्होंने जो हमारे यहाँ आए हैं, जो लोगों को मोटिवेट किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है, जो अपने अच्छे व्यू दिए हैं, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।